और आज वही पागल 2 करोड़ रुपए जीत लिया, और आज वही पागल 2 करोड़ रुपए जीत लिया। 2 करोड़ में से 60 लाख रुपया सरकार ले रही है, तो इनको कितना मिला? 1 करोड़ 40 लाख रुपया। और बोला गया कि लोग बोलता है कि पर्दा लोग का बड़ा जलन होता है, नहीं हम इसमें कितनी सच्चाई है? हमको ऐसा कोई जलन नहीं। और सबसे पहले आपको जानकारी किसने दिया कि आप ड्रीम 11 में फर्स्ट ऑनर बने? देखिए उस दिन हम 3 करोड़ जीतते, 3 करोड़ जीत जाते जी जी। देखिए हम जब भी टीम लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट दोनों लगाते हैं। 3 बजे रात तक वहाँ पे घूमे फिरे, नींद नहीं आ रहा था, यहाँ आए फिर वहाँ गए घूमते घूमते। पैसा आपने जीत लिया तो किसी का कॉल आएगा और आपसे ओटीपी मांगेगा? जी जी जी, ओटीपी मांगेगा। अगर ओटीपी आप दे देते तो आपका पैसा सब हवा में चला गया। तो फिर अभी हम ऐसे परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ नहीं सीधा का सीधा 2 करोड़ पे जीता है, वो भी रातों रात, वो भी 49 रुपए में जीता है इन्होंने। और वो भी हम पूछेंगे कि आखिरकार कैसे जीता है इन्होंने। और बहुत ऐसे लोग हैं जो जीते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़, लेकिन इन्होंने जो जीता है ना वो पूरे के पूरे 2 करोड़ पे जीता है। और ये भी बाखूदी हम समझाएंगे कि आखिरकार इन्होंने जीता कैसे है और मेहनत कितने दिनों तक इन्होंने किया था या आए और जीत दिए। सबसे पहले आपका स्वागत होगा जी। धन्यवाद भाई। कैसे, क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम मुकेश पासवान है, मेरा गांव का सोरुगा, थाना बारिश नगर, जिला समस्तीपुर। बताइए, लोग तो जीतते हैं 1 करोड़ 1.5 करोड़, आपने 2 करोड़ जीत लिया, कैसे जीता आपने 2 करोड़ जी? 2 करोड़ इसलिए जीती है क्योंकि हम बहुत बहुत दिन से खेलते हैं ये चीज, और 2-3 बार पिछले बार भी हम सीजन में बच गए हैं जीतते जीतते। मेरा रैंक बहुत अच्छा आता था तो हमको लगा कि हम एक दिन जीतेंगे तो हम और मेहनत करने लगे। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है ना इसमें दिमाग का काम होता है, कुछ लोग बोलते हैं कि आए और जो भी है ना लक का साथ दे जाए, अगर लक साथ दे दिया तो आप कल के कल जीत जाइएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए देखिए देखिए, लक जो होता है ना, सुनिए, लक कभी कभी बनता है इसमें, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें दिमाग होना जरूरी है। क्योंकि 11 टीम मतलब 22 में से 11 आपको अच्छा लेना है, जिसमें 10 को पूरा प्लेयर खेलना चाहिए, तो ऐसे आप कोई भी नहीं कर सकता, ऐसे हो नहीं सकता है। लगातार आपको दिखाई दे रहा होगा कि YouTube पर जो वीडियो को आप टच कीजिए उस पर सीधे आता है ड्रीम 11 का गेम खेलिए। अब जरा सोचिए कि मात्र 49 रुपए में इन्होंने 2 करोड़ रुपए जीत लिया है, तो इनसे पूछते हैं और पैसा आपने कितना लगाया था? सही में उतना ही लगाया था, 49 रुपए लगाया जी, 49 रुपए लगाया। हाँ, और कब से लगाते थे मतलब? जी हम 2017 से लगाते थे। 2017 से खेलते थे जी जी। हाँ, तो मतलब अब जरा सोचिए 17 और 3 उधर हो गया, 6 साल हो गए खेलते हुए आप? जी जी, 6 साल। 6 साल हो गया, और 6 साल में आपने पहली बार मतलब खड़ा किया रिकॉर्ड? नहीं नहीं, इससे पहले भी रिकॉर्ड खड़ा किए, 5 लाख जीते हैं, 1 बार 2 लाख जीते हैं, मतलब 2 लाख 5 लाख जीते, मतलब लाखों में थे पहले, लाखों में। और आज जो है वो करोड़ों का एथिक हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको जीत कर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, मैंने सफल हो गया। हाँ, और क्या कहिएगा जो बिहार के हमारे खेलने वाले जो पार्टी है, यानी जो रोज लोग खेलते हैं, जो हारते हैं, कोई कुछ लोग जीतता है, कुछ लोग 5 रुपए लगाता है, कोई 10 रुपए लगाता है, उनके लिए क्या बोलेगा, वो किस तरह खेलेगा, वो मेहनत किस तरह करेंगे कि आखिरकार एक दिन आप जिस तरह सफलता कमाए हैं? देखिए हम उनको यही मैसेज देंगे कि भाई ज्यादा दिमाग ना लगाए, 10 को टीम ना लगाए, 2 गो टीम लगाए, 3 गो लगाए, 4 गो लगाए, इससे ज्यादा न लगाए, 3 गो 2 गो में आप बढ़िया से दिमाग लगाए, और 10 गो लगाएगा आपका दिमाग नर्वस हो जाएगा, आप नहीं जीत पाएगा। एक चीज और कि उसमें मतलब मेहनत कितना करना पड़ता है, कितना घंटे मेहनत करना पड़ता है जीतने के लिए? देखिए मेहनत तो आप टीम बनाइएगा तो 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन लास्ट जो होता है ना आधा घंटा, उस टाइम पे अपना टीम अच्छा से दिमाग लगाना पड़ता है, सब दिमाग में से कचरा साफ कीजिए और तब बनाइए। कुछ लोग बोला जाता है मतलब एड चलता है कि 1 रुपए में 1 करोड़ कमाइए, क्या सही होता है वो? देखिए वो सिस्टम होता है इसके अंदर, 1 रुपया जब लगाए इसमें कॉन्टैक्ट होता है जिसमें कंपनी छूट देता है, 1 रुपया लगाइए 1 करोड़ कमाइए, ये भी ठीक है जी। और जो फर्स्ट प्राइज था पहले 1 करोड़ था, अब हो गया 2 करोड़ रुपया, और क्या लगता है कि आप एक फर्स्ट ऑनर है जिन्होंने 2 करोड़ रुपए जीता है? जी देखिए उस दिन हम 3 करोड़ जीतते, 3 करोड़ जीत जाते जी जी। देखिए हम जब भी टीम लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट दोनों लगाते हैं, एगो टीम पे दोनों लगाते हैं। अच्छा। इससे पिछले दिन भी हम लगाए थे दोनों, मतलब रोज लगाते दोनों, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या दिमाग में हम एक ही लगाए। और आज आपने जीता है 2 करोड़ रुपया, क्या कल भी आप जीत सकते हैं 2 करोड़ रुपया? जी बिल्कुल जीत सकते हैं, अनुभव है तो बिल्कुल जीतेंगे, मेरा टीम बढ़िया रहता है, अभी भी वैसे बनाते हैं। और क्या लगता है जब समझिए कि कुछ रैंक होता है जो मतलब पास आने लगता है और एक बैग लगता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा उस तरह? देखिए जैसे कि आपको बताते हैं हम कि जैसे फर्स्ट इनिंग में आप अच्छा रैंक दे लिए, ठीक है, तो सेकंड इनिंग के लिए आपके पास प्लेयर बचा कि नहीं बचा वो चीज देखना होता है। अब रैंक अच्छा आपका आ रहा है, लास्ट में जो 2 प्लेयर होगा वो होना चाहिए, वही जिताएगा, गेम चेंजर उसी को बोलते हैं। कैसे दिमाग लगाते हैं आप लोग, 2 करोड़ पर जाते हैं वो क्रिकेट से, मोबाइल से जाते हैं आप लोग, कैसे दिमाग लगाते हैं सर? तो कहाँ कहाँ का टीम आप लोग यूज करते हैं, कहाँ कहाँ का प्लेयर यूज करते हैं, फिर 2 करोड़ रुपए जीत जाते हैं, 2 करोड़ का मालिक हो जाते हैं जी? देखिए हम भी रातों रात, देखिए हम जो है हम क्रिकेटर भी हैं, क्रिकेट भी खेलते थे, ठीक है,
तो इसमें एक्सपीरियंस है कि ऑलराउंडर का क्या अनुभव होता है, बॉलर क्या कर सकता है, बैट्समैन क्या कर सकता है, पिच क्या है, कितना स्कोर बनेगा, ये सब जानकारी रखना पड़ता है, तब ना जाके जीते हैं। और जिस वक्त आपने खेलना चालू किया था, क्या गांव का रिएक्शन कैसा था कि क्या खेल रहा है क्या नहीं खेल रहा, क्या बोलते थे? देखिए उस टाइम जब हम खेलते थे उस टाइम पे रिएक्शन ये था कि उस टाइम किसी को पता ही नहीं चला था कि क्या कर रहा है। उसके बाद हम जब जीते 5 लाख रुपया, उसके बाद पता चला कुछ कुछ को तो खेलने लग गया सब। उसके बाद बीच में अभी एक मैच चला था बिग बैश लीग, उसमें हम 3 दोस्त एक साथ टीम बनाते थे, एकदम मिलके बनाते, तो हमको पागल बोला जाता था कि पागल हो गया ड्रीम इलेवन के पीछे, ये आधा पागल हो गया है। लेकिन हम बिग बैश लीग में भी हम बहुत अच्छा रैंक मारे थे, 433 रैंक था मेरा, उसमें 40 लाख जीते जीते हम रह गए। फिर लड़की का आईपीएल आया, उसमें भी हम जीते जीते रह गए जी। और आज वही पागल 2 करोड़ रुपए जीत लिया, तो आज गाँव के लोग क्या बोलते हैं? आज बोलते हैं कि पता नहीं क्या खेलता था, 2 करोड़ जीत लिया। हाँ। जी आज तो त्रस्ते होंगे उस खेल के लिए जी, जी। क्या हम भी खेले हो तो जी, लोगों को इस गेम के बारे में पता नहीं था कि ये लोग करता क्या है मोबाइल में। हाँ। एनी टाइम वही करता है, लेकिन आज पता चल गया जो कोई खेल होता है। हाँ। उस खेल में ये लोग खेल रहा था। और घर का रिएक्शन कैसा था उसमें? घर का रिएक्शन बहुत अच्छा था, मतलब पापा मतलब फैमिली साथ थे, सब 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 जानकारी थी उनको कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए फैमिली में किसी को क्या पता रहेगा, मेरे पापा को पता रहता, बाकी फैमिली को कुछ नहीं पता था, उन लोगों को कुछ नहीं पता था कि हम क्या करते हैं। एक मेरे पापा और मेरे भाई को ही पता था कि ये क्या करता है। लेकिन आपको उम्मीद थी कि मैं एक ना एक दिन करोड़पति बनूंगा? जी जी बिल्कुल 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 उम्मीद था मुझे कि मैं करोड़पति बनूंगा। आप इनके गांव के हैं, कैसा लग रहा है आपके साथी जो है 2 करोड़ रुपए जीते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या लग रहा है कि आप गांव के लोग खेलेंगे नहीं 2 करोड़ रुपए के? बिल्कुल खेलेंगे। आप खेलते कि नहीं खेलते? हम खेलते हैं। सबसे पहले तो इनको हम ही बताया कि भाई आप एक नंबर पे जा रहे हैं, इनको नहीं पता था, ये अपना मोबाइल जेब में डाल के यहीं से जा रहे थे। अच्छा। और हम थे तो बोले, हम देख रहे थे कि कौन 1 2 3 4 जा रहा है, तो देखे कि मेरा मुकेश भाई ये 3rd नंबर पे थे, तो इनको फोन किया तो बोला कि हाँ तो तुम आ जाओ मेरे पास। तो हम आए, फिर उस टाइम से फिर मोबाइल निकाल के देख रहे थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का बॉलिंग आया, तो बोले ये विकेट ले लेगा तो फिर आप सेकेंड स्थान रह जाइएगा। तो बोले कि भगवान से करे कि विकेट ना ले। उसके बाद इनका जो कैप्टन था उसका बॉलिंग आया और लास्ट विकेट था, विकेट लिए, जीत गए 1 नंबर का। फिर कुछ लोग बोलता है कि आप लगाइए और सो जाइए और 2 करोड़ जीत जाइएगा, ये इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए जो बोलता है लगाइए सो जाइए वो गलत है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है आप लगा दिए, टिप टाप कर दिए, भगवान आपको जिता दिया, ठीक है, लेकिन आपका पैसा हवा में उड़ा देता है, ये भी देखिए ना। तो इसलिए आपको समझदार होना जरूरी है। लेकिन सोचिए कि 6 साल का मेहनत इनका है, इन्होंने बहुत सारे ऐसे गिफ्ट जीता है, जैसे 1 लाख 2 लाख जीता है, लेकिन जब 2 करोड़ में जीता तो 6 साल का मेहनत कामयाब आपका हुआ है, बस ये कि नहीं है? 6 साल का मेहनत है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप आ जाइए और आज के आज करोड़पति बन जाइए, ये सब गलत है, आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत करने से ही फल मिलता है। और लोग बोलते हैं कि सबर का फल बहुत मीठा होता है, तो इस सही में मीठा है कि नहीं? जी सबर का 6 साल का फल है, मीठा ही है। 6 साल का फल है, यानी कि एक छोटा अगर बच्चा अगर जन्म लेता है ना तो भी 6 साल में इतना बड़ा हो जाता है। देखिए जितना दिन से हम ड्रीम इलेवन खेले हैं और जितना हम टीम लगाए कॉन्टेस्ट लगाए हैं, कोई होता तो पागल हो जाता, वो नहीं करता। और सबसे पहले आपको जानकारी किसने दिया कि आप ड्रीम इलेवन में फर्स्ट ऑनर बने हैं? ये मेरे बगल में भाई है, ये बोले थे आपको जी। और उसके बाद कौन बोला था? उसके बाद तो हम खुद देख रहे थे। और रिएक्शन क्या था उसमें जब आप सुने थे? गोद में उठा लिया, उछाल दिया पूरा जी, मतलब खुशी के मारे मगन हो गए। जी जी। क्या लेके थे? बम, शादी जो भैया को 24 फरवरी को, तो वहाँ से बम जो बचा था बम लेके आए, बम छोड़े। अच्छा, फरवरी में आपका शादी हुआ था का? नहीं, इनका नहीं। अच्छा, इनके भाई का शादी हुआ था, आपने सोचा कि चलिए जो बम है उसको लेकर आ जाए और भड़काया जाए, यानी खुशी का माहौल है। तो बहुत लोग जाने तो निकल के आए, तो उसका जो है बहुत आए मिले उले उसका। हम लोग 3 बजे रात तक वहाँ पे घूमे फिरे, नींद नहीं आ रहा था, यहाँ आए फिर वहाँ गए घूमते घूमते, फिर जाके कल से फिर मीडिया रिपोर्ट जितना भी है आने लगे, जितना मिलने के लिए जो आए जानकारी हो सब लोग आए मिले। कितने मतलब चैनल वाले आकर के आपका इंटरव्यू? बहुत चैनल वाले आए। एक चीज और बताते हैं, ये मेरे चाचा आ रहे हैं बगल में है, तो इनका आटा चक्की का मिल है, तो इन्हीं के यहाँ पे बैठ के हम ज्यादातर टीम लगाते हैं, और इनके यहाँ बैठ के हम इनको बोलते हैं कि चाचा हम जीत जाएंगे करोड़, तो ये बोलते हैं कि बेटा तुम जीत जाएगा एक दिन, बहुत मेहनत करता है। कैसा लग रहा चाचा जी आपके लड़के ने 2 करोड़ रुपए जीता है, बताइए? हमको बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगता है। लोग बोलता है कि पर्दार लोग का बड़ा जलन होता है, नहीं हमको कितनी सच्चाई है? हमको ऐसा कोई जलन नहीं। और क्या लगता था कि ये जो खेल रहे थे उसमें तो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, आप क्या बोले थे? निश्चित। हम कहे बेटा निश्चित जीतेगा, जीतेगा ना। आज वो आपकी जो मतलब आशीर्वाद है वो कामना थी आज पूरा हो गई, और आपके बेटे ने 2 करोड़ रुपए जीता है। जी सर, बताइए। और उसमें मतलब कितना परसेंट काटता है सरकार? 30%। मतलब मैक्सिमम कितना लाख रुपए काट लेगा? ये 60 लाख रुपए काट लेगा। 60 लाख रुपए सरकार काट जी, लेगा जी, जी। यानी कि आपके हाथों में 1 करोड़ 40 लाख आने वाला जी, जी, जी। हाँ? जी। अब बताइए
2 करोड़ में से 60 लाख रुपया सरकार ले रही है, तो इनको कितना मिला? 1 करोड़ 40 लाख रुपया, और बोला गया कि 2 करोड़ मिला, लेकिन उतना भी खुशी है? कोई दुख तो नहीं? हमको बहुत खुश है, बहुत खुशी है। जो काम है वो करवे करेगा, टैक्स जो है वो लेवे करेगा, जरूर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, उनका ही पैसा है, कोई आपत्तिजनक नहीं। नहीं नहीं, पैसा उन्हीं का ना है, सब कुछ बैंक वही चलाते हैं, तो क्यों नहीं टैक्स लेंगे। चलिए मुकेश जी, एक बात और मैं पूछूंगा कि आखिरकार कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि फॉरवर्डिंग का काम इसमें होता है, कि जैसे आपने 2 करोड़ जीत लिया तो आपका पैसा जो है वो अंदर ही अंदर गायब हो जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल 100% सच्चाई है। कैसे कैसे आप बोलते? इसलिए बोल सकते कि वो कॉल मेरे पास भी आया था, क्योंकि देखिए हम अपना फोन बंद कर लिए थे, तो जितने भी मेरे 5 को 6 को फ्रेंड जो है उसका नंबर वो पता नहीं कैसे निकाल लिया। निकालने के बाद उससे पूछा कि उससे बात कराइए, तो वो बोले कि अभी तो नहीं करा पाएंगे, हम दूर है, तो बोला वो नंबर दीजिए, तो वो नंबर नहीं दिया। लेकिन ये वो लड़का जो था मेरा दोस्त, उसे ज्यादा समझ में नहीं आया, तो नंबर भी दे दिया और मेरे से बात भी करा दिया और मेरा फोन भी ऑन करवा दिया। मतलब पैसा आपने जीत लिया तो किसी का कॉल आएगा और आपसे OTP मांगेगा? जी जी जी, OTP मांगेगा, अगर OTP आप दे देते तो आपका पैसा सब हवा में चला गया। तो फिर पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आता है? नहीं नहीं, वो वॉलेट में आता है, उसके बाद हम अकाउंट ट्रांसफर तब करेंगे। अच्छा, उसके बाद कितने दिन के बाद ट्रांसफर होता है? जब देखिए कर लेंगे, लेकिन वो पैसा में लगता है समय। समय लगता है जी जी। और कुछ लोग जो है वो डायरेक्टली पैसा आता है और वॉलेट से ही OTP बता करके उनका पैसा गायब हो जाता है, और इनका मेहनत जो है 6 साल का मेहनत है। अगर आप भी चाहते हैं कि करोड़ों का मालिक बनने के लिए, तो आज से चालू कर दीजिए ड्रीम इलेवन खेलना, लेकिन मेहनत जरूर कीजिएगा आप लोग। ये नहीं कि आज लगाए और कल सोचे कि सो गए हैं और सुबह में उठ करके हम करोड़पति बन गए, तो ये आपकी गलत सोच है। और देखते रहे आप लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए जय हिंद।